देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। लहरपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा सहायक नहर में बीती रात करीबन 11 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय लड़के ने लगाई छलांग। लड़के की नहर में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। सैकड़ों की संख्या में लोग नहर पर पहुंचे, लड़के के चप्पल और कपड़े हुए बरामद। परिजनों ने बताया लड़का था दिमागी तौर से परेशान। घटना की सूचना परिजनों ने लहरपुर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर सबकी तलाश कराई लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस को सफलता न मिलने पर पीएसी के गोताखोरों ने किया संपर्क। जल्दी सबकी तलाश के लिए शारदा नहर को खंगाला जाएगा। मामला लहरपुर कस्बा क्षेत्र का है। पूरा मामला यह था कि उसके दो चार दस दिन से को दिमागी संतुलन जो रहा है उसका गड़बड़ था, इसलिए वो घर से चला कि हम जा रहे हैं कि फांस जाएंगे, तो पीछे पीछे सब लोग आ रहे थे। कुछ लोग होटल पे पूछा गया कि इधर गया तो कहा ना उधर नहर की तरफ गया, तो यहाँ जब आए तो चप्पल रखे हुए थे और उसकी सड़ थी और हम थोड़ी दूरी मतलब इस रोड के उधर दो चार आदमी थे, उन्होंने देखा फान गया। कितने बजे की घटना है ये? करीब 10 बजे की रात की घटना। अच्छा, सूचना अभी तक किसको दिया? हमने रात ही में सूचना दे दी थी कोतवाल साहब के चौकी इंचार्ज साहब को, वो सब मौके पर आए हुए थे, बहुत सहयोग किया और यहाँ प्रॉपर की टीम दो थी गोताखोर, वो सुबह से बहुत प्रयास किया मेहनत की और अभी तक उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हम कोतवाली गए तो कोतवाल साहब सीओ साहब से बात करके तो वो वहाँ से सीतापुर से बटालियन वाली टीम आ रही है, उन्होंने कहा था कि 11:15 तक आ जाएगी तो हम 11:15 का रास्ता देखें। सीतापुर से असलम अंसारी की ब्यूरो। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।